Shall we start? Yes, sir. Actually, today's topic, we are going to complete the first module, Group A practical, sixth practical we are going to take. Topic is a little bit difficult. If we are able to digest it, then we will complete today itself. If not, then partially we will take today, partially tomorrow we will take. Yes? Today's topic is parity generator and checker. You have to implement this. It is yet to complete in the class, but here only I will complete, so I won't take it in the class separately. First of all, we will see the theory of this, and then first of all, what is parity generator? Digital communication, we are sending some information in terms of binary numbers. Say I have sent a sequence like say this. So whether at the receiver end this data has been reached properly or not. So how to decide that? How to decide that whether this data has been reached properly or not means if this has been in this way only, or there is some bit error is there, like instead of this data, this kind of data has reached, or this kind of data has reached at the receiver end. So to find out the error, whether the data we send is correct or not, we used to initially generate a parity bit, and once we have generated it, after that we will check. So there will be two process. One is parity generator, another one is parity checker. So what we used to do is, suppose we are sending this information. So we will generate a parity. That parity can be either even parity or it can be odd parity. Suppose it is an even parity. Even parity matlab ek bit generate hoga. So this bit, क्या होगा अगर जो सीक्वेंस हम लोग सेंड कर रहे हैं वो इवन है, और मैं इवन पैरिटी की बात कर रहा हूँ, ये इवन है तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा. अगर मैं कोई बिट ऐसा सेंड कर रहा हूँ 001, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कितने हैं, एक ही है, तो ये ऑड है, तो इसको इवन करना है हमें, तो एक वन ऐड कर दूंगा मैं. ठीक है, तो इवन पैरिटी मेरा वन हो जाएगा इस सीक्वेंस के लिए, इस सीक्वेंस के लिए. इसी वजह से 100 है, तो कितने नंबर ऑफ वन है, एक. तो इवन पैरिटी, एक पैरिटी जो बीट होगा मेरा वो क्या होगा, वन. इसको हम इवन पैरिटी बोलेंगे. क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, सीक्वेंस को इवन कर रहा है. ठीक है, अभी मुझे मालूम है कि ट्रांसमीटर एंड पे मैं जो भी डिजिट्स थे मेरे, वर्ड्स है, उसको मैं इवन करके भेज रहा हूँ, इवन करके भेज रहा हूँ, और भेज ही नहीं रहा मैं. तो जब मैं रिसीवर एंड पे आऊंगा वहां पे पैरिटी चेकर होगा, इसी बोलता हूं मैं पैरिटी चेकर. वो क्या करेगा, वो इस सीक्वेंस को देखेगा. अगर यहां पे जो भी मैं ये तीन बिट थे और प्लस एक, ये चार बिट यहाँ पे आएंगे रिसीवर पे पैरिटी चेकर की तरफ, और ये पैरिटी चेकर क्या करेगा, अगर वन आ रहा है तो एरर दे रहा है वो, अगर ये जीरो आ रहा है तो एरर नहीं दे रहा है. वन आ रहा है तो एरर क्यों दे रहा है वो, क्योंकि ये अगर सपोज वन आ रहा है मतलब क्या हो गया, जो सीक्वेंस भेजा है हम लोगों ने वो सीक्वेंस में ऑड वन है, ऑड वन है, और इसीलिए उसको इवन करना है हमें, तो वन चाहिए हमें, यहाँ पे वन डाल रहे हैं हम लोग. अगर वो ऑलरेडी इवन है, इवन नंबर ऑफ वन है उसके अंदर, तो जीरो यहाँ पे आएगा, मतलब उसमें एक्स्ट्रा वन डालने की जरूरत नहीं है. और हमें मालूम है कि हम लोगों ने इवन पैरिटी करके ही भेजा हुआ है इसको, इवन पैरिटी करके ही भेजा हुआ है, तो यहाँ पे वन नहीं आना चाहिए, आउटपुट में जीरो आना चाहिए. तो इस वजह से पहले हमें क्या करना है, जो भी सीक्वेंस है हमारा उसमें एक पैरिटी बिट डालना है उसके अंदर, एंड वो डालने के बाद में उसको चेक भी करना है. ठीक है, सो दिस इज पैरिटी बिट. अगर हम लोग उस सीक्वेंस को ये बिट डाल के इवन कर रहे हैं तो इवन पैरिटी बोलेंगे, ये जो ऐड किया है इसको इवन पैरिटी बोलेंगे.
अगर इसको ऐड करके उसको ऑड कर रहे हैं हम लोग, तो उसको ऑड पैरिटी बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो फिलहाल मैं एक ही टाइप का लूंगा इवन पैरिटी का, तो आपको समझ में आएगा, ताकि कहीं भी डाउट नहीं रहेगा आपको। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। कहीं पे भी कुछ डाउट आ रहा है पूछो। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बिकॉज टॉपिक नया है, थ्योरी ले रहा हूँ, बाद में प्रैक्टिकल लूंगा। प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है, दो XOR गेट है, आपको इम्प्लीमेंट करना है बस। तो यहाँ पे कुछ चीजें देख लेते हैं हम लोग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैरिटी बिट? डिफाइन अ पैरिटी जनरेटर एंड पैरिटी चेकर। सो व्हेन अ बाइनरी डेटा इज ट्रांसमिटेड एंड प्रोसेस्ड, देयर मे बी एरर्स इन द डेटा रिसीव्ड। Received one can be modified to zero or zero received zero can be modified to one because of noise. क्या बोल रहा है ये sentence का मतलब क्या है कि जब भी हम कोई binary data भेजते हैं तो one भेज रहे होते हैं, बाद में receiver पे आते आते वो zero हो जाता है, हो सकता है या zero भेज रहे हैं receiver पे आते आते one हो जाता है, तो noise के कारण या बहुत सारे मतलब उसमें factors होते हैं, environment factors होते हैं या बाद उसके कारण ये चीजें हो सकती हैं। So in order to detect such errors in the transmission, a parity bit is added to the data bus, data bits. क्या हो रहा है? अगर मैं अभी ये बिट भेज रहा हूँ, मान लो ये क्या है, 5 है, बाइनरी में 5 बोलेंगे ना, बट इसमें से एक भी बिट चेंज हो गया, सपोज ये वाला बिट जो है वो चेंज हो जाता है, ये क्या हो गया 100, ये क्या हो जाएगा 4 हो गया, पूरा नंबर ही चेंज हो गया ना आपका, तो एरर दे रहा है ना वो, इट इज एरर डेटा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, इन ऑर्डर टू डिटेक्ट सच एरर्स इन ट्रांसमिशन अ पैरिटी बिट इज एडेड टू द डेटा बिट्स। फंक्शन ऑफ पैरिटी बिट इज टू डिटेक्ट एरर्स ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ बाइनरी डेटा। फंक्शन ऑफ पैरिटी बिट इज टू डिटेक्ट एरर्स ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ बाइनरी डेटा। इसका क्या फंक्शन क्या है पैरिटी बिट का, कि वो एरर डिटेक्ट करेगा। अ पैरिटी बिट इज एन एक्स्ट्रा बिट दैट इज एडेड टू द डेटा बिट्स। अ पैरिटी बिट इज एन एक्स्ट्रा बिट दैट इज एडेड टू द डेटा बिट्स। Hence the parity bit makes the total of ones in the binary data either odd or even. The parity bit जो होता है ना extra bit है that is added to the data bits. Hence the parity bit makes the total number of ones either odd or even. The parity bit can be added before or after the data depending on the design of the system. If the parity bit 0 or 1 makes the total number of ones in the binary data even, then it is even parity. If the parity of 0 or 1 makes the total number of ones in the binary data odd, then it is an odd parity. Thus the data to be transmitted can be even parity or odd parity. मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई sequence है, इसमें हम लोग एक parity bit add कर रहे हैं, short में लिख रहा हूँ मैं parity bit PB, ये add कर रहे हैं हम लोग, तो इसके कारण तो सारे जो भी सीक्वेंस होंगे उसमें हम लोग फिर इस हिसाब से ऐड करेंगे कि उस पूरे सीक्वेंस को वो ऑड कर देगा, तो ये जो पैरिटी बिट होगा मेरा ऑड पैरिटी बिट होगा। तो नीचे भी अगर कोई सीक्वेंस है वो उसके अंदर भी हम लोग फिर ऐसा बिट ऐड करेंगे कि ये पूरा ऑड कर देगा इसको, तो ये सारे जो बिट्स होंगे ऑड बिट्स, ऑड पैरिटी बिट्स होंगे, ऑड पैरिटी बिट्स होंगे। अगर मान लो जो बिट हम लोग ऐड कर रहे हैं वो इसको इवन कर रहा है, तो ये हमारा इवन पैरिटी बिट होगा, फिर इवन पैरिटी बिट होगा, तो वही बताया हुआ है उसने वहां पे। तो जो डेटा टू बी ट्रांसमिटेड कैन बी इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी, तो ये जो डेटा होगा वो या तो इवन पैरिटी का होगा या तो ऑड पैरिटी का होगा। द डेटा बिट अलॉन्ग विद द पैरिटी बिट इज ट्रांसमिटेड एंड देन चेक्ड एट द रिसीविंग एंड ऑफ फॉर एरर्स। रिसीवर एंड पे फिर हम लोग उसको चेक करेंगे कि एरर है कि नहीं। एट द रिसीवर एंड इफ द चेक्ड पैरिटी इज नॉट सेम एज वन ट्रांसमिटेड एन एरर इज डिटेक्टेड। इफ वर्ड रिसीव्ड हैज इवन पैरिटी एंड वर्ड ट्रांसमिटेड हैज ऑड पैरिटी, देन एन एरर हैज ऑकर्ड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। सर हाँ, मतलब अगर कोई भी चेंज हुआ पूरे ट्रांसफर के टाइम बिट्स में,
तो पैरिटी भी चेंज होगा, हाँ और अगर पैरिटी चेंज हुआ मतलब वो इट्स एन इंडिकेशन दैट कि द डेटा इज बिन मैन्युपुलेटेड और चेंज्ड, ऐसा है हाँ क्या कुछ? हाँ डेटा हैज बीन देयर इज एन एरर इन डेटा, तो डेटा मैनिपुलेट हुआ है. ओके ठीक है, तो ट्रांसमिटर एंड पे पैरिटी जनरेट होता है, रिसीवर एंड पे पैरिटी चेक होगा. द सर्किट दैट जनरेट्स द पैरिटी बिट एट द ट्रांसमिटर साइड इज कॉल्ड एज पैरिटी जनरेटर. जो सर्किट पैरिटी बिट को जनरेट करता है ट्रांसमिटर साइड पे, उसको हम लोग पैरिटी जनरेटर बोलते हैं. The circuit that checks the parity at the receiver side is called as parity checker. ये just basic था अभी. अभी क्या ये मेरा प्रैक्टिकल बोर होता है क्या? 30 ही 33 बच्चे दिख रहे हैं अभी, क्या बात है? It's quite boring. नो सर, देखो क्या होता है, चेक कैसे किया जाता है. सो इन ऑर्डर टू जनरेट अ करेक्ट पैरिटी बिट इन अ गिवन कोड वर्ड, द प्रिंसिपल यूज्ड इज मॉडुलो सम ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ वंस इज ऑलवेज वन एंड मॉडुलो सम ऑफ इवन नंबर ऑफ वन इज ऑलवेज जीरो. मतलब क्या मॉडुलो सम क्या होता है? तो जो हमारा एक्सऑर गेट होता है, एक्सऑर गेट, उसका जो आउटपुट होता है, सपोज यहाँ पे 3 इनपुट है, से ए ए एक्स और बी एक्स और सी. तो क्या ये इन तीनों का जो भी ऑपरेशन हो रहा है, ये इसको हम लोग मॉडुलो बोलते हैं, मॉडुलो सम. अगर यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ वंस है, मतलब 100 सीक्वेंस है, तो ये आउटपुट 1 आएगा. यहाँ पे एक ही 1 है. अगर यहाँ पे इवन नंबर ऑफ वंस है, मतलब सीक्वेंस ऐसा है 101, तो यहाँ पे आउटपुट पे 0 आएगा. तो इस प्रिंसिपल पे वो वर्क करता है, वो मॉडुलो सम के ऊपर वर्क करता है पैरिटी जनरेटर. ठीक है, अभी क्या है, एक सीक्वेंस लिया है, ये क्वेश्चन लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. डिजाइन अ इवन पैरिटी जनरेटर एंड चेकर फॉर 3-bit मैसेज टू बी ट्रांसमिटेड. Design an even parity generator and checker for a 3-bit message to be transmitted. मतलब हमें 3-bit message जो है ना वो transmit करना है. 3-bit message मतलब क्या होता है? 3-bit message 000, ये 3-bit हो गया, या 001, ये 3-bit हो गया, या 010, ये 3-bit हो गया. तो 3-bit जो message है ये सेंड करना है हमें, इसके लिए पैरिटी इवन पैरिटी जनरेट करना है, इसके लिए डिजाइन है इवन पैरिटी जनरेटर. तो क्या करेंगे? सिंपल है, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी के. जो यहाँ पे 30-33 बच्चे दिख रहे हैं मुझे, उनका सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझे मालूम है, तो आगे ये दिक्कत नहीं आ रही है. क्यों? क्योंकि जब 3-bit मैसेज बोला हुआ है, तो 3 के लिए जब 3 इनपुट रहता है हमारे पास, तो उसके लिए टोटल कॉम्बिनेशन कितने होते हैं? 8 कॉम्बिनेशन होते हैं टोटल. So, ये तीनों के 8 कॉम्बिनेशन लिख देना, 3 इनपुट के. क्या क्या होगा? 000, 001,
010 011 100. ठीक है, ये सब लिख दिया। अभी देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इवन पैरिटी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, इवन पैरिटी जनरेटर, मतलब ये इवन पैरिटी बिट है, इस यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना ये इवन पैरिटी है, तो मतलब क्या करेगा, इस सीक्वेंस को ये बिट ऐड करने के बाद इवन हो जाना चाहिए, इवन हो जाना चाहिए। मतलब क्या हो गया कि जब ये बिट को लेते हैं हम लोग 001, तो ये अभी ऑड है क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ वन है, एक ही वन है, तो क्या करना है इसमें वन मैं यहाँ लिख दूंगा, तो अब ये टोटल जो हो गया ये क्या हो गया, इवन हो गया। फिर तो ये जो मेरा ये जो बिट है ये इवन पैरिटी बिट है, मतलब ये वन ऐड करके टोटल 2 1 हो जाते हैं सीक्वेंस में, तो इवन बन जाता है वो। वैसे ही 010 उसमें 1 ऐड किया तो टोटल 2 हो गए, 2 1s हो गए ना, एक ये 1 हो गया और एक ये 1 हो गया। तो अभी इस बिट ने क्या किया, इस पूरे सीक्वेंस को इवन कर दिया। वैसे यहाँ पे इस सीक्वेंस में क्या है, 011 है, तो यहाँ पे इवन है, तो इसमें 1 ऐड करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे खाली 0 ऐड किया तो भी चलेगा। तो इस वजह से ये 0 ऐड करके वो इवन ही रहेगा, तो हमें इवन ही चाहिए, इस वजह से अप कर दो। और यहाँ पे क्या एक भी 1 नहीं है, तो यहाँ पे 0 ही ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे 3 1 है, तो इसको इवन करने के लिए 1 1 और ऐड करना पड़ेगा, तो ये 1 ऐड करके टोटल 4 हो जाते हैं। एक चीज बताओ मेरे को आप लोग, श्री ठक्कर, क्या नाम था, ठाकरे, अभी जो ऐड आया, जब आपको मालूम है कि 3 से 5 में प्रैक्टिकल होगा तो भी आप लोग लेट ज्वाइन कर रहे हो, उसका मतलब क्या है समझ में नहीं आता। मैं कभी कभार मेरी तबीयत अगर खराब है तो ही मैं सेशन नहीं लेता हूँ, और उस केस में मैं दानिश को या किसी को बता देता हूँ कि आप अनऑफिशियल ग्रुप पे बता दो बच्चों को। यस सर, अदरवाइज मैं मोस्टली 90% 95% तो मैं लेता ही लेता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी क्या करना है हमें, पैरिटी जनरेटर का हमें सर्किट चाहिए, सर्किट चाहिए मतलब इसका इक्वेशन चाहिए, ये जो ब्लॉक ये जो ट्रुथ टेबल है इसका इक्वेशन कैसे करेंगे, तो के मैप बनाएंगे। के मैप में क्या करते हैं, जहां जहां 1 होता है वहां 1 डाल के उसका ग्रुप फॉर्म करते हैं और वहां से इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे जा रहे हैं, अभी क्या किया हम लोगों ने, इवन पैरिटी 3 बिट के लिए इवन पैरिटी जनरेट किया, ट्रुथ टेबल ड्रॉ किया, और ट्रुथ टेबल ड्रॉ करने के बाद अब के मैप ड्रॉ करेंगे, कैसे करेंगे, जीरो जीरो वन, जीरो वन जीरो, जीरो वन वन, वन कहाँ कहाँ पे, जीरो जीरो वन पे एक वन है, तो जीरो जीरो वन पे एक वन आ गया, बाद में जीरो वन जीरो है तो जीरो वन जीरो उस पे एक वन है, फिर वन जीरो जीरो है तो वन जीरो जीरो उस पे एक वन है, ये रिपीट हो गया, इसको हटा दो, ऊपर भी 100 है इधर भी 100 छोटा देने का, बाद में 101 है, तो 101 है मतलब यहाँ पे 0 है, बाद में 1 कहाँ पे, यहाँ पे मतलब 111, तो 111 जो है 111, तो यहाँ पे एक 1 है, तो चारों इंडिपेंडेंट है। तो क्या करने का, उसका इक्वेशन लिख देने का, तो क्या आएगा, P इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C प्लस A कॉम्प्लीमेंट B C कॉम्प्लीमेंट प्लस A B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट प्लस A B C, यस यस सर, नाउ अभी क्या करने का, देखो A कॉम्प्लीमेंट कॉमन, A कॉमन ले लेने का, तो क्या आएगा B कॉम्प्लीमेंट C प्लस B C कॉम्प्लीमेंट, और यहां से A कॉमन लेने का, बाद में B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट प्लस B C,
तो हमारा क्या आएगा, P इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी एक्स और सी प्लस बी ए बी एक्स और सी उसका बार, मतलब ये एक्स नॉर बता रहा है। कैसे आया वापस देखो आप, ये जो टर्म है हमारा बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट, इसको क्या लिखते हैं मैं, बी एक्स और सी, और ये क्या है बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी, ये एक्स नॉर का आउटपुट है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसा, ये क्या बच गया इधर, इधर बच गया ए कॉम्प्लीमेंट, प्लस इधर क्या हो जाएगा ए। अगर इस टर्म को देखें हम लोग तो ये एक्स है और ये ए कॉम्प्लीमेंट है। वापस से लिखता हूं मैं, तो इस टर्म को मैं वापस से कैसे लिख सकता हूं, ये ए कॉम्प्लीमेंट एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट ए, तो क्या आ जाएगा ए एक्स और एक्स, ये क्या आ जाएगा एक्स, क्या है हमारा तो एक्स ये टर्म था, तो ये क्या है बी एक्स और सी, तो ए एक्स और बी एक्स और सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो P इज इक्वल टू ए एक्स और बी एक्स और सी, तो क्या करना पड़ेगा, लॉजिक डायग्राम ए हो गया बी हो गया, उसको एक्स और में डाला तो ए एक्स और बी आ गया, बाद में यहां से सी को इसके अंदर डाला यहाँ पे, तो ये मुझे मिल जाएगा ए एक्स और बी एक्स और सी, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग ये इनपुट देंगे 001, ये इवन पैरिटी है इसलिए यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। जब मैं ये दूंगा 011 011, तब ये 0, यहाँ पे आउटपुट 0 आना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज अ पैरिटी जनरेटर, इवन पैरिटी जनरेटर फॉर 3 बिट। इसको इंप्लीमेंट करेंगे हम लोग, उससे पहले या इसको इंप्लीमेंट करना है पहले देख ले इंप्लीमेंट करके इसको। हेलो, यस सर, चलेगा। हाँ, तो इसको हम लोग सर्किट वर्ड्स पे करने वाला, कोई बड़ी चीज नहीं है वो। ओके सर, so we will see this, there are two XOR and input. Sir, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा, कब से बंद है, दिख रहा था सर, अभी दिख रहा है,
ठीक है, ये दिख रहा है कौन सा सॉफ्टवेयर है बताओ, कौन सा ऑनलाइन सर्किट वर्स? हाँ ठीक है, सर्किट वर्स। तो ये XOR लिया, एक ये XOR लिया, क्यों ऐसा किया? बिकॉज हम लोग इवन पैरिटी जनरेटर देख रहे हैं, इवन पैरिटी जनरेटर का ये सर्किट डायग्राम है, लॉजिक डायग्राम बोल लो, सर्किट डायग्राम बोल लो, जो भी बोल लो, ए बी सी। प्रैक्टिकल चल रहा है, जस्ट अ सेकेंड, समबडी हैज केम, आई टेक यू टू मिनट्स ओनली। Am I audible? Yes, sir. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Now, see here it is 000. I write 001. Glow here. Simultaneously, we will check the truth table also.
001 पे पैरिटी बिट 1 है, नाउ 100 पे भी 1 है, एक काम करते हैं 101 डालते हैं, 101 पे क्या 0 है मतलब वो ग्लो नहीं होना चाहिए, 101 पे ऑफ हो गया, 111 पे ऑड है तो ग्लो होना चाहिए, 111 पे ग्लो हो रहा है, देख लेते हैं हम लोग, 111 पे ग्लो हो रहा है, ठीक है। नाउ तो ये हमारा इवन पैरिटी जनरेट हो गया है 3 बिट के लिए, जो ये इवन पैरिटी जनरेटर है 3 बिट के लिए, इसको सेव कर लेंगे। ये सेव हो गया, तो दिस मेनी एक्सपेरिमेंट्स आई हैव परफॉर्म्ड। Now the next is how to check whether the data was correct or not. So now we will go with parity checker. So it will work. Let's see that. So A, B, C. Now we will have 4 input. Why? 3 inputs plus 1 parity data, parity bit. So whenever we are having 4 input at that time, total 16 combinations are possible. How? 2 raised to power 4. Here we have 4 input. So 2 raised to power 4, 16. So now, see, if the sequence is like this, receive sequence is like this, 0001. Therefore, there is only 1, 1. So it's an error 1 because it's not an even parity. So the parity checker will give output 1. That means there is an error. If this bit will be received, then it will show the output as 1. So that means there is an error in the output. In the same way, if this bit is received, so the receiver will get to know ki 0011 hai. At that time parity checker will be, output will be 0. So there is already, it's an even 1. So there is no error in this. Similarly for this one, it's 0101. So total even ones are there. So parity checker will be 0. So no error. No error. Similarly, 0111. So what will happen? There are 3 1. 3 1 means odd ones. Odd ones means we can't add. So the output is 1. So there is an error. So basically, we are dealing with even parity. And in that, if here we are getting 1, that means there is an error in the received data. If it's 0, that means there is no error. So it's afternoon session. I don't know how much you are getting, but
Now what we have to do is we have to draw the circuit diagram of parity checker. So wherever one is there, that we need to put in the K map so that we will get the equations. So you can see over here the K map has been used. Then A, B, C, D. So 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. So wherever we are getting one in the parity bit generator truth table as a parity bit checker truth table, the one we have to put in for that sequence. Now what we have to do is this parity checker, we have to write down the equation. No pairing is possible, so we have written all the terms. Now how it is, how we are going to simplify it. So it's here, it's A complement, B complement, C complement, D plus C D complement plus A complement B, C complement, D complement plus C D. Then A B C complement D plus C D complement, and then A B complement C complement D complement plus C D. So in this way, we got this. Now what we have to do is this term inside can be written as C XOR D, and this term can be written as C XOR D complement. This is written as C XOR D, and this is written as C XOR D complement. मतलब ये XOR है, ये XNOR है, ये XOR है, ये XNOR है. So यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, A complement, B complement plus AB इसकी जगह पे. A complement B complement plus AB into C XOR D plus A complement B plus AB complement C XOR D complement. Now if we see this part, this is XNOR, so A XNOR B, this is XOR C XOR D, this is A XOR B, and this is C XNOR D. So if you see this term, here it is X, here it's Y complement, here it is X, here it's Y complement, here it is Y, and this is X complement plus. So I can write X XOR Y. So it is X means A XOR B. What is Y? So it is C XOR D. So you will get parity checker as A XOR B XOR C XOR D. This is parity checker. Now what we have to do is, if I use one XOR gate, I will get this term. Second XOR gate, I will get this term. And third XOR gate, I will get this term. Now just what we have to do is, we have to implement this, and we have to verify the truth table. So for that, what we have to do, we have the truth table. So वो सर्किट इंप्लीमेंट करने के बाद ये ट्रुथ टेबल वेरीफाई करना है बस. तो जहां पे वन दिखाएगा मतलब ये वो एरर वाला है, और जहां पे जीरो दिखाएगा वहां पे वो
एरर नहीं है उस सीक्वेंस में। तो अभी फिलहाल क्या करना है, हमें हमें इस सर्किट को इंप्लीमेंट करना है सर्किट वर्ड्स के ऊपर। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, I am going to make parity checker circuit diagram on circuit words and we will see the output. So I will be required with so we will check the truth table of parity generator. तो यहाँ पे 10001 पे 1 आ रहा है, तो हम लोग वैसा करेंगे, 0001 पे 1 आना चाहिए, 1 आ रहा है यहाँ पे। एक और दूसरा सीक्वेंस लेते हैं, तो 0111 पे भी 1 आना चाहिए, एक और लेंगे हम लोग 1001 पे 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है। इस वजह से आप 111 पे भी चेक कर सकते हो, तो 4 1 है मतलब ये इवन है, इसलिए ये 0 आ रहा है यहाँ पे आउटपुट पे। तो इस वजह से पैरिटी चेक कर सकते हैं हम लोग सीक्वेंस का। तो ये जो डेटा आएगा वो रिसीव डेटा करेक्ट है, क्योंकि ये 3 बिट जो है उसमें 1 1 मतलब ऑड 1 से, तो ये जो हो गया ये डेटा नहीं है यहाँ, मतलब 0 है, मतलब ये डेटा जो आया 111 वाला करेक्ट है वो। समझ में आया क्या आपको? यस सर। तो इस वजह से आप उसको, यस सर, ये मैं आपको ग्रुप पे डाल देता हूँ। ग्रुप पे मतलब ये जो है, मैं 2-bit कंपैरेटर एंड पैरिटी चेकर एंड जनरेटर ये क्लास में नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि मैंने इसको आपको इधर बता दिया है। दानिश आप डाल दो उस पे। यस सर। अभी आप लोग कंप्यूटर ब्रांच के बच्चे हो, सो जस्ट एक लेट मी